नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग लेन यूट्यूब चैनल के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, विश्व के भूगोल में मैसेडोनिया देश का एक अलग ही स्थान है और इस देश में कई ऐसी बातें हैं जो इस देश को अन्य देशों से अलग करती हैं, जैसे कि भाषा, रहन सहन, वेशभूषा, संस्कृति, धर्म, व्यवसाय। तो आइए दोस्तों जानते हैं मैसेडोनिया देश से जुड़े कुछ ऐसे अनोखे तथ्य और इतिहास से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में, जिन्हें जानकर आपका ज्ञान अवश्य बढ़ेगा। दोस्तों, देश का नाम मैसेडोनिया, देश की राजधानी स्कोपज, देश की मुद्रा मैसेडोनियाई दीनार, महाद्वीप का नाम यूरोप, देश के राष्ट्रपिता और संस्थापक क्रस्ट मिसिरको, देश का राष्ट्रगान डेंस नार्ड मकदोनीचा। दोस्तों, अगर बात की जाए मैसेडोनिया देश के इतिहास की, तो लग्जमबर्ग के इतिहास को 963 में शुरू करने के लिए माना जाता, जब गणना सीगफ्रीड ने एक चट्टानी प्रोमोन्ट्री और उसके रोमन युग के किलेबंदी का अधिग्रहण किया, जिसे ल्यूसिलियन ब्रोहोक लिटिल कैसल के रूप में जाना जाता है। 13वीं शताब्दी के अंत में लग्जमबर्ग की गिनती काफी क्षेत्र पर राज करती थी। सन 1308 में हेनरी सप्तम जर्मन का राजा और बाद में पवित्र रोमन सम्राट बन गया। अगर दोस्तों बात करें इसके भूगोल की, तो लग्जमबर्ग यूरोप के सबसे छोटे देशों में से एक है और दुनिया के सभी 194 स्वतंत्र देशों के आकार में 167वें स्थान पर है। पूर्व में लग्जमबर्ग राइनलैंड पैलेटिनेट और सारलैंड के जर्मन बुंडेसलैंडर और दक्षिण में सीमा पर है। ये ग्रैंड इस्था यानी कि लोरेन के फ्रांसीसी क्षेत्र की सीमा में है। ग्रैंड डची बेल्जियम के बैलून क्षेत्र की सीमा बनाती है। अगर दोस्तों मैसेडोनिया के अर्थव्यवस्था की तो बात करें, तो लग्जमबर्ग यूरोपीय संघ आईसीडी, संयुक्त राष्ट्र, नाटो और बेनेलक्स का संस्थापक सदस्य है। मैसेडोनिया शहर, जो देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है, यूरोपीय संघ के कई स्थानों और एजेंसियों की सीट है। मैसेडोनिया ने 2013 और 2014 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में काम किया, जो देश के इतिहास में पहला था। 2020 तक मैसेडोनिया के नागरिकों के पास वीजा मुक्त या वीजा ऑन अराइवल की पहुंच 187 देशों और क्षेत्रों में थी। अगर बात की जाए दोस्तों मैसेडोनिया के कुछ तथ्यों की, तो मैसेडोनिया को आधिकारिक तौर पर आधिकारिक रूप से मैसेडोनिया गणराज्य कहा जाता है। मैसेडोनिया की सीमाएं उत्तर पश्चिम में कोसोवो, उत्तर में सर्बिया, पूर्व में बुल्गारिया, दक्षिण में ग्रीस और पश्चिम में अल्बानिया से लगती हैं। और दोस्तों मैसेडोनिया ने 8 सितंबर 1991 में यूगोस्लाविया से स्वतंत्रता हासिल की थी। मैसेडोनिया एकमात्र ऐसा देश है जिसने रक्त की एक भी बूंद बहाए बिना यूगोस्लाविया से स्वतंत्रता प्राप्त की। अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो मैसेडोनिया के पूर्व साम्राज्य का राजा था, वो पहला विश्व आकार का विजेता बना, जिसने ग्रीस और पर्शिया में अपने साम्राज्य को भारत और मिस्र में बढ़ाया। मैसेडोनिया में आधिकारिक सिरिलिक वर्णमाला 9वीं शताब्दी में दो भाइयों सेंट सिरिल और सेंट मैथोडियस द्वारा विकसित वर्णमाला पर आधारित है। मैसेडोनिया का कुल क्षेत्रफल 25,713 किलोमीटर है और मैसेडोनिया की आधिकारिक भाषा मैसेडोनियन है। दोस्तों, विश्व बैंक के अनुसार 2016 में मैसेडोनिया की कुल जनसंख्या 20.8 लाख थी। यहाँ 50 से ज्यादा झीलें और 2000 मीटर से ऊंचे 16 पर्वत हैं। दोस्तों, मैसेडोनिया में स्थित ब्रेलो गुफा पानी के नीचे है, जिसकी गहराई 77 मीटर है, जो दुनिया में पानी के नीचे सबसे गहरी गुफा है। 2006 में ये एक उच्च तकनीक परियोजना का हिस्सा होने के बाद वायरलेस ब्रॉडबैंड कनेक्शन तक पूर्ण पहुंच प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको मैसेडोनिया देश के बारे में कुछ रोचक फैक्ट बताए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।